आगिर के भेस में मेरी माँ है, बेनाम है। नाम? दिल्ला, अब मैं जैसा बोलता बिल्कुल वैसा। महामहिम मुत्तान को कहा कि अपनी ब्रह्मांड यात्रा से वापस आए। वो वापस आए तब तक शाश्वान लोक की सारी माए और सारे दरवाजों पर कड़ा पहरा लगा। बेनाम के नाम का सब जगह पर। चलो माँ, मैं जा रहा हूँ। अकेले नहीं जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपकी जान खतरा नहीं तरह। आप अकेले नहीं, साथ ही लाने। हाँ भाई, मुद्दा होंगे मेरे से शश्वान लोग की पूरी सेना भी। इस बार आगे बच गई। से बुलाया बालवीर आया। नमस्कार, मैं हूं देव जोशी और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। सीन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या सीन है, शूट कर रहे हैं? जी आज तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सीन है। दरअसल कहूं तो जो आकील है उसके साथ आज हमारा पूरा दिन का शूटिंग है और वो बालवीर के साथ लड़ भी रही है लेकिन साथ ही साथ उसके साथ मिलकर प्लानिंग भी कर रही है। तो ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि आखिर आकील जो है वो बालवीर के साथ प्लानिंग भी क्यों कर रही है और उससे लड़ भी क्यों रही है। तो वही सीन्स आप देखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ श्रीधर भाई तौबा तौबा वापस आ चुके हैं बालपरी बेनाम के रोल में, इस बार आप सबको दिखाई देगी। तो काफ़ी कहीं ना कहीं जो सीज़न वन और सीज़न टू से जो कनेक्शन है बालवीर का वो भी हम सीज़न थ्री तक लेकर आए। ढेर सारा प्यार मिल रहा है और अब तो हमारा शो मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे आता है सोनी सब पे। तो ढेर सारे प्यार की वजह से, पब्लिक डिमांड की वजह से हमने शो को डिले किया है। ऑफकोर्स थोड़ा मुश्किल है इतने सारे VFX के साथ, इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन के साथ डेली डिलीवर करना, लेकिन अब पूरी टीम मेहनत करी है बहुत अच्छे से और जिस तरह से पिछले 11 सालों से बालवीर को प्यार मिलता आया है उसी तरह से मिलता रहे, यही दुआ है। कॉस्ट्यूम तो काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग ही जो फिटिंग है, काफ़ी अलग अलग एलिमेंट्स है इसमें। शूज़ है, जो जीन्स है काफ़ी अलग है, आर्मर है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के हिसाब से जब हम एक्शन सीक्वेंसेस करते हैं तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सेफ्टी रहे उस हिसाब से कॉस्ट्यूम बनाया गया है। मेरा जो आर्मर है जो अभी मैं शॉट के दौरान पहनूंगा तो वो भी काफ़ी अलग है, वो काफ़ी हैवी है, लेकिन एक सुपर हीरो की फीलिंग जो इस कॉस्ट्यूम में आती है वो शायद कोई और कॉस्ट्यूम पहन के ना आए, इसलिए इसको इस ढंग से बनाया गया है जो हमारे डिज़ाइनर है। तो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करता हूँ खुद को कि इतना अच्छा कॉस्ट्यूम पहनने का मुझे मौका मिलता है। क्या कहेंगे, फैंस भी इतना प्यार करते हैं और आज भी उनका प्यार बरकरार है? ऑफकोर्स हमेशा हर समय प्यार मिलता है उनका सोशल मीडिया के द्वारा और हमारे एपिसोड्स को इतना पसंद करते हैं, इतने अच्छे अच्छे एडिट्स बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द देवियंस, ऑल द बालवीरियंस, ढेर सारे प्यार के लिए। बस इसी तरह बालवीर देखते रहे सोमवार से शनिवार सोनी सब पर और सोनी लिव पर और हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच।